हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट बैंक। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो इंटेक्स होम थिएटर पे, और ऐसा कोई भी होम थिएटर हो जिसमें 20-30 का बोर्ड लगा हो, तो इस होम थिएटर का प्रॉब्लम क्या है, इस बोर्ड में शॉर्ट हो गया है और किसी कारण से भी आपका शॉर्ट हो जाए, भरभाट का आवाज आए, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज का वीडियो में इसी के बारे में आज मैं आपको पूरा रिपेयर करके दिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा इंटरव्यू बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट रिपेयर। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयर पे, और इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि जब भी यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ तो कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लाइन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जब भी सीरीज लाइन में लगाएंगे तो आपका जो सीरीज लाइट है, जो 100 वाट का बल्ब, वो जल जाएगा। तो 100% नहीं कि अंदर में कुछ शॉर्ट है या कुछ प्रॉब्लम है इस होम थिएटर में। तो जब भी होम थिएटर बनाएंगे तो यहाँ सीरीज टेस्ट लैंप का ज़रूरत पड़ेगा, इसके बिना हम इस होम थिएटर का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे कि होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम है। तो इस सीरीज टेस्ट लैंप को आप बना लें, इसका बनाने का जो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो होगा, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में। जिससे कि यहाँ लाइन दे रहे तो 100 वाट का बल्ब जो हमारा जल जा रहा है, तो यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के 3 वायर को खोल के देखेंगे तो हमारा जो लाइट है बंद हो जा रही है। इतना यहाँ तक कन्फर्म हो जाता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सही है, और ये जो सर्किट बोर्ड है हमारा जो होम थिएटर का, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं कहाँ से क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, यहाँ पर सारे पिन को मैंने खोल दिया हूँ और यहाँ पर चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पर जो बने रहते 4 डायोड लगा हुआ, डायोड का नंबर मुझे तो अभी नहीं पता, तो यहाँ पर जो डायोड ब्लैक ब्लैक करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये सारे डायोड है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट रहने से यहाँ पर जो है जो सीरीज टेस्ट लैंप वो जल जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ शॉर्ट हमारा नहीं है, लगभग बहुत कम चांस में ऐसा प्रॉब्लम होता है ये डायोड ख़राब होने का, ऐसा कभी होता है ये सब डायोड शॉर्ट हो जाएगा, 0-0 नहीं बताना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी या डायोड के निशान में सेट करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो है 7805 भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, जो कि मैं अभी चेक करके दिखाया। और यहाँ पे जो 3 IC लगे हुई, ये अधिकांश ये शॉर्ट होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम होता है अधिकांश। तो ज़्यादातर इस तीनों IC को खोलेंगे और तीनों IC को खोल के एक एक करके फिर लगा के देखेंगे कौन सा IC शॉर्ट है। तो चलिए, यहाँ पे तीनों IC को इजीली खोल लेते हैं और उसके बाद लगा के चेक करते हैं। अब चलिए, यहाँ पे देखते हैं जो IC सारा हमने खोल दिया हूँ IC को, और इसमें लाइन लगा के देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है फिर से। तो यहाँ पे IC खोलने के बाद लगाएंगे लाइन में तो हमारा जो है सीरीज टेस्ट लैंप नहीं जल रहा है, तो इसका 100% सिक्योर हो जाएंगे कि हमारा जो IC का ही प्रॉब्लम था। तो चलिए, यहाँ पे IC को दूसरा IC या उसी IC को फिर से लगा के चेक करेंगे बारी बारी से कौन सा IC हमारा जो है शॉर्ट था। तो एक एक करके IC लगा कर देखेंगे तो दो में से कोई एक IC शॉर्ट होगा, फिर दोनों IC शॉर्ट होगा, फिर तीनों IC शॉर्ट होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों IC बारी बारी से लगा के आप चेक कर लेंगे तो आपका जो IC बच जाएगा। और अधिकांश अगर नहीं समझ में आता है तो तीनों का तीनों न्यू IC आप लगा दें। तो चलिए, यहाँ पे न्यू IC लगा देते हैं और इस प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे में आपको दिख रहा हो। और देखिए, यहाँ पे चेक करें तो हमारा जो IC सही हो चुका है, बट इस होम थिएटर में कुछ और प्रॉब्लम है जिसको मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। इस होम थिएटर का जो सर्किट बोर्ड है ब्रेक हो गया है, टूट गया है कहीं से, जिससे कारण से कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा था, जिससे कारण से यहाँ पे वीडियो मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, बट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम था। यहाँ पे कुछ ये ट्रैक ख़राब हो गया था जिसके कारण से इस होम थिएटर को बनाने में मुझे टाइम लग गया, उस चीज़ को मैं नहीं दिखा, लेकिन लगभग जो प्रॉब्लम है यही आता होम थिएटर में। तो कभी कभी ट्रैक टूट जाए, क्या कुछ कनेक्शन और प्रॉब्लम हो जाए तो आपका जो प्रॉब्लम झमेला में डाल देगा। तो उस कंडीशन में आप न्यू सर्किट बोर्ड आप लगा सकते हैं, बट सॉल्व नहीं कर पाए तो
तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए अब आईसी को चेक करते सब। देखिए आईसी को चेक करते हैं बूफर का, यहाँ पे बूफर का कनेक्शन में जोड़ के, और यहाँ पे जब भी हाथ रखेंगे तो आपका आवाज़ क्लियर आना चाहिए। अब सेकंड नंबर को आईसी को चेक करते हैं। देखिए आईसी क्लियर आवाज़ आ चुका है। और थर्ड नंबर को चेक करते हैं, इसमें भी आवाज़ आ जाएगा। सोल्डरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा बाकी, और इसको भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब इसको लगाते हैं, और इसको थिनर की मदद से आप क्लीनिंग कर लें ताकि जो भी ट्रैक हो अच्छा सा साफ़ हो जाए और कोई ट्रैक छूट ना जाए। तो थिनर का मदद आप कर सकते हैं, नॉक पॉलिश वाला जो थिनर होता है वो बहुत ही लो कॉस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा काम भी करता है, ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तब तक के लिए बाय, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है।